द प्रिंसिपल ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस अंडर द चैप्टर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस मॉड्यूल द रिवील्ड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर बट दिस प्रेफरेंस शुड हैर्टन पॉस्टूलेट और दम्पशन टू स्टडी तो एनी इकोनॉमिक थ्योरी जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रही हो और उसकी चॉइसेस और उसकी पसंद नापसंद के बारे में बात करें जस्ट बाय ऑब्जर्विंग यानी उसका परचेज़ और कंजम्पशन के पैटर्न को देखकर, तो हम कहेंगे कि उसके बारे में मार्केट के अंदर जो भी डिसीजन हो रहा है वो उसको देखते हुए जब डिसीजन करे, दैट विल बी द रिवील प्रेफर यहाँ पे अगर हम कहें तो ये वाली जो थ्योरी है दैट इज़ वेरी मच रेलिवेंट एंड द इम्पॉर्टेंट विद द परस्पेक्टिव ऑफ़ द प्रोड्यूसर्स और द मार्केटिंग कंपनीज जो उसके परचेस और उसके कंजम्पन के एक्चुअली डिसीजनस को सिर्फ ऑब्जर्व करके अपनी प्रोडक्शन को पैकेजिंग को प्राइसिंग को और डिफरेंट यूनिट्स को डिसाइड करती हैं तो दिस थ्योरी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द अब अगर हम इसकी स्टडी के प्रिंसिपल्स और अजम्पन्स को देखें तो इसमें बेसिक चीज़ जो हमें देखनी होगी एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू अ पर्सन आइडर ही शी एनी यंगर एनी ओल्डर वट एवर जो मार्केट में जा रहा है और अशिया ख़रीदता है तो वो दो बंडल्स के दरमियान डिसीजन करे हालांकि वो उसके पास एक दो तीन दस बंडल्स भी हो सकते हैं लेकिन उस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उस एक लम्हे में जो उसका फैसला है वो किसी दो बंडल्स के बाद और इन दो कम्बिनेशन के बारे में अगर हम कहें जिस एक बंडल को वो परचेज कर रहा हो हो सकता है कि वो दूसरे बंडल के मुकाबले में थोड़ा सा महंगा भी हो सकता है लेकिन वो उसको परचेज करे तो इसके लिए जो उसकी तरजीह है हम उसको कहेंगे दैट विल बी रिवील्ड प्रेफरेंस और या वो तरजीह जिसका उसने इजहार कर दिया अब अगर हम इसकी एजम्शन में जाएं तो सिंपल देर शुड बी टू बंडल्स और इस टाइम फ्रेम के दौरान जब हम उन दो को देखें उस एक लम्हे या कुछ टाइम या एक दिन या घंटे में कीमतें मस्तकम रहें वो चेंज ना हो एक बंडल में जो अशिया है और दूसरे बंडल में दोनों की कीमतें जो एनालिसिस करते हुए उसके सामने है उसके सामने वो उनकी कीमतें चेंज नहीं हो रही ना ही उसकी इनकम चेंज हो रही है तो दो फैक्टर जो सबसे ज़्यादा हम कहेंगे कि कांस्टेंट रहेंगे वो है प्राइसेस ऑफ गुड्स ऑफ ऑल द गुड्स दैट आर अवेलेबल इन द बोथ कंबिनेशन एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर तीसरी चीज़ जिसको हम देखते हैं वो है कि उसकी प्रेफरेंस भी कॉन्स्टेंट रहे कंज्यूमर की जो चॉइस है उसकी कंसिस्टेंट का मतलब है जो उसकी प्रीवियस परचेज जो कल उसने ख़रीदा जो उससे दो दिन पहले ख़रीदा या चार दिन जो उसकी प्रेफरेंसेस हैं वो वही की वही रहें तीसरी चीज़ उसकी प्रेफरेंस कॉन्स्टेंट होने के कंसिस्टेंट होने के साथ उसका टेस्ट वो भी वही वही रहे वो मस्तकम रहे और एक एनालिसिस ऑफ कंजम्पशन के लिए कि कंज्यूमर जब भी डिसीजन कर रहा है हम अज्यूम करते हैं तो वो रैशनली डिसीजन करता है और वो बाकायदा एनालिसिस करता है उन अशिया का जो बंडल्स मार्क, वो मार्केट में परचेज़ कर रहा है वो उनके बारे में उनकी कीमत का अंदाज़ा लगाता है उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को स्टडी करता है और ये तमाम हम हमारी जो एजम्पन्स हैं ये उसका एक लाजमी अमर हो अगर हम इन अजम्पशन की बेस पे देखें तो अब हमारी जो रिवील प्रेफरेंस की थ्योरी है जो उसकी स्ट्रेंथ है सबसे जो स्ट्रॉग पॉइंट है वो ये है कि ये इकोनॉमिस्ट को दानों को जो एक अहम चीज़ देता है कि हम डिसाइड कर सकते हैं किसी भी कंजम्पशन या प्रोडक्शन के बंडल्स के बारे में या इंडिविजुअल्स की प्रेफरेंसेस के बारे में उनकी तफसीलात जाने बगैर उनकी मज़ीद उनसे पूछे बगैर या सर्वे किए बगैर सिर्फ और सिर्फ उनकी परचेज़ेस लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी वीकनेस हमारे सामने आती है कि हम ज्यूम हमने कर लिया कि उसको तमाम इन्फॉर्मेशन का इल्म हो जो कि कई दफ़ा मुमकिन नहीं होता और जो एक सेकेंड चीज़ हमारे लिए है कि, कि कंज्यूमर्स के जो टेस्ट और प्रेफ्रेंसिस हैं वो आज के डिजिटल दौर में बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं तो मुमकिन है कि वो वाली प्रेफरेंस जो कंज्यूमर की दो दिन पहले थी जब वो आज आया है तो माइट बी ड्यू टू सर्टन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और माइट बी ड्यू टू सर्टन अदर इंफॉर्मेशन जो कि उसने इन दो दिनों में हासिल की हो तो उसकी प्रेफरेंसेस कुछ चेंज हो गई हों या मुमकिन है कि कुछ उसकी अपनी रिलेटेड uh, मीन्स उसको पहले पता ना चला हो किसी बीमारी का आज पता चल गया कोई खुशी का लम्हा जो वो शेयर करना चाह तो दीज आर द रिलेटेड इवेंट्स जो उसके टेस्ट और प्रेफरेंस को फेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो ग्राफ हमें अब शो तो कर रहा है ये पिछले से थोड़ा सा डिफरेंट है और जिसका टाइटल हमें जिसका बता रहा है कि दैट इज प्रीवियसली इट वाज रिवील्ड प्रेफरेंस लेकिन अब हम इसमें कह रहे हैं कि दैट इज द इनडायरेक्ट रिवील्ड प्रेफरेंस यहां अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि एक वो तरजीह है जो बड़ी वाजिया दो बंडल्स के दरमियान कंज्यूमर ने शो की लेकिन इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हम दो नहीं हम तीन बंडल्स का जिक्र कर रहे हैं मीन्स दैट इज़ वन कम्बिनेशन दैट इज़ सेकेंड कम्बिनेशन और उसी तरीके से एक तीसरा कम्बिनेशन है वो भी कहीं इसके अंदर मौजूद है अब अगर हम इसमें देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल uh, बजट लाइन और कम्बिनेशन जो है वो उसका मौजूद है जो इस लाइन के ऊपर हम देख रहे हैं कि इस बजट लाइन के होते हुए उसने प्रेफरेंस दी इस बंडल की जबकि बंडल वाई भी उसकी अप्रोच उसकी अफोर्डेबिलिटी और उसकी रेंज में था तो दिस बंडल एक्स वन एक्स टू को हम कहते हैं कि दैट इज़ डायरेक्टली रिवील्ड टू द बंडल वाई वन एंड वाई अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बजट लाइन को देखते हुए या एक और सिचुएशन को हम देखते हैं कि जो वाई वन और वाई टू के बंडल जो है वो उसकी प्रेफरेंस है जी वन जी टू बंडल के ऊपर और ये प्रेफरेंस कंज्यूमर ने किसी और वक्त पे शायद एक्सप्रेस की हो अब अगर उसने अपनी इस प्रेफरेंस को शो कर दिया है तो हम यहाँ पे ये यह कह सकेंगे कि हालांकि इस वक्त कंज्यूमर का जो कम्बिनेशन है वो एक्स और जी का नहीं है वो एक्स और वाई का है लेकिन कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस इंफॉर्मेशन और द कंजम्पशन पैटर्न और द प्रेफरेंस वी कैन से अब कंज्यूमर का ये वाला जो सिचुएशन जिसमें उसने अपनी प्रेफरेंस शो की थी और जब हमने कहा कि उसका जो बंडल वाई वन और वाई टू है ये उसका ऑलरेडी प्रेफर्ड है बंडल जी वन और जी टू पर तो अब यहाँ से वो इनडायरेक्टली हम अज्यूम कर सकते हैं कि बंडल एक्स वन एक्स टू जो है वो डायरेक्टली रिवील्ड तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड रिवील्ड तरजीह है उसकी उस बंडल के ऊपर जो कि अभी उसने ख़रीदा नहीं और शायद उसके पास अवेलेबल अब अगर हम इस थ्यूरी के तहत देखें तो ये बेसिकली कंजम्पशन और प्रेफरेंस थ्यूरी की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देखते हुए ये हुई है अब अगर इसमें हम देखें तो हमने उसी तरीके से तय किया कि कंजम्पशन कि का एक्सपेंडिचर ऑन बंडल एक्स इज़ इक्वल टू इनकम कंजम्पशन का जो एक्सपेंडिचर वाई पे हुआ वो भी इनकम के मुकाबले में या कम है या एटलीस्ट उसके बराबर में है तो अगर इस तरह देखें तो ये हमारे बजट कॉन्स्टेंट के थ्योरम को फुलफिल करता है अब इस कि एक्स को उसने प्रेफर किया वाई पर और उसी फॉर्म को अगर हम देखते हुए देखें तो हमारा जो बंडल है यहां पर एक्स वाला वो वाई के ऊपर प्रेफर है और अगर लेकिन हम देखें तो जो थ्योरी ऑफ ट्रांजिटिविटी कहती है कि इफ ए इज प्रेफर्ड टू b और b इज प्रेफर्ड टू c तो विल बी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रेफर टू सी कंडीशन तो कीपिंग इन व्यू दिस थ्यूरी ऑफ ट्रांजेटिविटी और द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिटिविटी हम कहते हैं कि बंडल एक्स वन इज इनडायरेक्टली रिवील्ड टू द बंडल जी अब इन तीनों कंडीशन को हम देखते हुए हम अगर देखें तो ये उसकी डायरेक्टली ही लेकिन इनडायरेक्ट रिवील्ड स होगी या उसकी तरजीह होगी जो कि उसने जाहिर कर दी थैंक यू